उत्पम एक केरला की फेमस रेसिपी है जो कि डोसा से काफ़ी थिक होती है और खाने में ये बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी सी होती है। इसका जो बैटर है और डोसे का बैटर है वो बिल्कुल सेम होता है। तो देख इस बात की रेसिपी शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के बैटर बनाने के लिए हमने एक कटोरी ले लेनी है और उसको दो कटोरी भर के हम डालेंगे यहाँ पे चावल और आधी कटोरी डालेंगे हम यहाँ पे उड़द दाल। तो इसी कटोरी का चौथा हिस्सा हमने यहाँ पे डालना है चना दाल और इसी तरह से इतनी ही पोर्शन चौथाई हिस्सा ही हमने यहाँ पे डालना है पोहे और एक चम्मच हमने भर के यहाँ पे डालना है मेथी दाल। अब यहाँ पे पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको चाहे 3 से 4 घंटे के लिए आपने भी पड़ा रहने दें या फिर आप पूरी रात भी ऐसे रख सकते हो। तो मैंने इसको ओवरनाइट सोक किया था। तो उसके बाद हम इसको किसी और बर्तन में निकाल लेंगे क्योंकि ये थोड़ा फूल जाता है। तो उसको उसके बाद मैंने इस तरह से इस बर्तन में निकाल लिया। अब इसको अच्छे से वॉश कर देंगे। तो उसको फिर से हमने अच्छे से वॉश कर देना है। अब थोड़ा सा पानी डाल के अब हम इसको करने जा रहे हैं ब्लेंड। बहुत ही फाइन बैटर होना चाहिए, दानेदार ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमें इतना थिक बैटर नहीं चाहिए तो थोड़ा इसमें पानी मिलाएंगे ताकि ये थोड़ा पतला हो जाए और हमें इसको स्प्रेड करने में प्रॉब्लम ना आए। तो बैटर में डाल देते थोड़ा सा और पानी और मिक्सी को फिर से एक बार चलाएंगे और बैटर हमारा हो जाएगा रेडी। अब इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कटोरी भर के मैंने डाल दी यहाँ पे बेसन और एक ही कटोरी मैंने यहाँ पे डाल दी है सूजी। तो सूजी हमने यहाँ पे बहुत ही पतली वाली लेनी है, मोटी वाली नहीं लेनी है। अगर आपके पास मोटी वाली है तो उसको बारीक कर लीजिए। तो अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा पोर्शन मैंने निकाल लिया है और उसको काफ़ी पतला कर लिया है। तो उत्पम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 छोटा चम्मच नमक और यहाँ पे मैंने थोड़ी सब्जियाँ ले ली जैसे अनियन है, कैप्सिकम है, ग्रीन चिलीज हैं, टोमेटो है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा उनका पोर्शन जो है इस बैटर में मिक्स किया है। रेस्ट मैं उसको रखने वाली हूँ। क्यों रखने वाली हूँ इसको अभी बताऊँगी आगे जाके। तो इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको बनाने वाले हैं फ्राई पैन में। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा घी डाला और उसमें ये मैंने पूरा पोर्शन डाल दिया इसका तकरीबन 1 मिनट के बाद। ये ध्यान रखना कि ये लो फ्लेम पे हो और हमारी बचाई हुई वेजिटेबल्स को हमने कुछ इस तरह से स्प्रेड कर देना है और ऊपर हमने यहाँ पे स्प्रिंकल कर देना है मस्टर्ड सीड्स और थोड़े से मैंने यहाँ पे करी लीव्स लगा दी। अब यहाँ पे हल्का सा ऊपर हमने इस तरह से कुछ प्रेस कर देना है ताकि ये पलटाते समय बिखरे ना। अब थोड़ा सा ऑलिव ऑयल हमने कुछ इस तरह से किनारों पे लगा देना है और उसको कुछ समय के लिए ढक के रख देंगे। तो ये बहुत ही लो फ्लेम पे, लो पावर पे जो है ये पक रहा है। तो इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए पकने दें। ऐसे आपको क्या ज़्यादा पसंद है, उत्पम, डोसा या इडली विद सांभर, ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अब हम 2 मिनट के बाद हमारा उत्पम है जो पलटा देंगे और इसको अब हमने तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक ही पकाना है क्योंकि नीचे से इसे ज़्यादा पकाना पड़ता है लेकिन ऊपर से कम ही। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है और यार ये खाने में बड़ा ही मस्त था, ज़रूर ट्राई करना। और अब मैं यहाँ इसको जस्ट पिज़्ज़ा वाली फीलिंग ले रही थी तो इसको पिज़्ज़ा कटर से मैंने कट कर दिया, थोड़ा सा डेकोरेट भी किया है, दिखाऊंगी आगे जाके। आई होप आपको अच्छा लगे, तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ी सॉस ली और छोटा सा चम्मच मैंने लिया और इस तरह से डिज़ाइन बना दिया और उत्पम जो थे मैंने कुछ इस तरह से रख दिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 उत्पम बनाए उस बैटर से और ये एक कुछ इस तरह से बना और खाने में बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मॉइस्ट था, बहुत ही बैलेंस्ड सा टेस्ट था इसमें और मज़ा आ गया खा के। तो ज़रूर बनाना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।